मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं एक साइड पे आया हूँ और इस साइड पे हमें कॉल आई थी कि हमारी मोटर नहीं चल रही है, तो उसी के बारे में मैं आज एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे LTLK का एक स्टार्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे पहुँचने पे कंडीशन क्या होता है वो तो देखने के बाद ही पता लगता है कि क्या हुआ है क्या नहीं। और इधर हम देख रहे हैं कि इंसुलेटर लगे हुए हैं, 3 3 फेज की मोटर है, 7.5 HP की, और ये स्टार्टर है। तो मैं ठीक है, देखता हूँ इसके बारे में क्या क्या दिक्कत हुई है इस स्टार्टर में। तो आप देखते रहिए हमारे वीडियो को, एक बार मैं चेक करता हूँ कि इस स्टार्टर में क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। तो इस पे तो फिलहाल वोल्ट मीटर पे कुछ दर्शा नहीं है, हमको लगता है वोल्ट मीटर ख़राब हो चुका है और हमारी मोटर किस कारण से नहीं चल रही है ये तो अब एक बार हम चलाएंगे तो पता लगेगा। तो एक बार अंदर का नज़ारा देखते हैं। तो ऑटो स्विच तो जल रही है, इसका मतलब है फेस हमारा क्लियर है, और फेस का मतलब है कि तीनों सप्लाई क्लियर है। अगर ऑटो की बत्ती लुप दुप करती होती तो इसका मतलब था कि कोई भी समस्या हो सकती थी सप्लाई से, लेकिन इसमें सप्लाई से संबंधित कोई समस्या नहीं है। अब मैं देखता हूँ स्टार्टर की पोजीशन क्या है, बहुत ख़राब स्थिति है इसकी, लेकिन फिर भी आए हैं साइड पे तो इसको चला के ज़रूर जाएंगे। कैसे चलती है मोटर उसको मैं अभी दिखाता हूँ। ऑन करके देखता हूँ इसकी आवाज़ आएगी खट से आपको स्टार्टर की। आप देख सकते हैं नीली बत्ती जल भी गई, लेकिन हमें लगता है एम्पियर नहीं उठा है, कुछ समस्या है। ठीक है, तो मैं आगे भी देखता हूँ क्या दिक्कत है क्या समस्या है। इंसुलेटर चलो यार। तो दोस्तों मैं पहले इसके इंसुलेटर को निकालता हूँ। 3 फेज का इंसुलेटर बहुत टाइट है और मैं देखता हूँ इसका सप्लाई से संबंधित तो फिलहाल क्लियर हमको दिख रहा है, क्लियर है, लेकिन अब मोटर में क्या समस्या है मैं उसको भी चेक कर लूँगा कि हमारी मोटर कंटिन्यूटी क्लियर है कि नहीं है। और मैंने इंसुलेटर निकाल दिया और सप्लाई इसकी पूरी तरह से कट हो चुकी है। आप भी कभी इसी तरह से वर्क करते हैं तो इसकी सप्लाई काट के ही वर्क आप लोग करना। तो एक बार मैं सप्लाई फिर से चेक कर लेता हूँ अपने मल्टीमीटर के माध्यम से, एक बार देख लीजिए आप भी मैं कैसे चेक करता हूँ। तो ठीक है, मैं ये देखिए आप वोल्टमीटर इस पे दिखाइए, चेक करवाइए हमारा सप्लाई लेबल, देखिए 450 क्लमसम में वोल्टेज दिखा रहा है, क्लियर एकदम दिखाइए नज़दीक से ऊपर डिस्प्ले पे। इस पे भी सप्लाई आप चेक कर सकते हैं, देखिए 450 क्लमसम, इस पे भी तो सप्लाई क्लियर है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अपनी मोटर की कंटिन्यूटी को देखता हूँ क्या दिक्कत है। हाँ तो भैया जी, यहाँ पे हम मोटर चेक करने आए थे, वहाँ के भैया मालिक यही हैं, यही मोटर की देख रेख करते हैं। मैंने अब इनको भी दिखा दिया हूँ कि अब देखते हैं, भैया बताए थे कि हमारी मोटर नहीं चल रही है, तो यही भैया हैं, आप देख लीजिए। तो दोस्तों मैं अब जा रहा हूँ, देखता हूँ जहाँ पे मोटर है वहाँ पे देखते हैं केबल गई हुई है। आप देख सकते हैं ये केबल है हमारी, केबल गई है, ये केबल है, कहीं से इसी में समस्या हमको समझ में आ रही है, क्योंकि इसका कंटिन्यूटी वहाँ से क्लियर नहीं रहा, लंबी केबल है। इस वजह से मुझे जहाँ पे ये बोर हुआ है वहाँ पे जाना पड़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ, देखिए यार मैं जहाँ पे मोटर लगी है वहाँ पे पहुँच के दिखाता हूँ। और मैं उसी जहाँ पे जोड़ है इसका वहीं से मैं पहले चेक कर लूँगा इसका क्लियर कंटिन्यूटी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप केबल गई हुई है ऊपर से, ये एक जोड़ हमारा ये है, जोड़ देते तो क्लियर दिख रहा है। और आगे अब देखते हैं और जोड़ है, हमें पता है यहाँ पर साइड पर बराबर आते जाते रहते हैं। ये देखिए केबल गई हुई है, ये देखिए आप, ये भी केबल है, और एक जोड़ हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमको क्लियर लग रहा है कि पूरी तरह से मोटर जुड़ी हुई है, मोटर का तार जुड़ा हुआ है, और एक जोड़ अभी और आगे है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं एकदम जहाँ पे बोर हुआ है मैं एकदम सेम वहीं पे पहुँच चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैंड लगा है, मोटर यहीं पे लगी हुई है, और
अब देखता हूँ, चेक करता हूँ यहाँ पे क्या पोजीशन है। चलो करता है 1 2 3। चलो तो दोस्तों मैं लास्ट जोड़ पे आया हूँ, यहाँ पे मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी यहाँ पे क्लियर आ रही है, ये देख सकते हैं। डिस्प्ले पे थोड़ा सा दिखाइए भैया, ये हमारी मोटर बता रही है 4 कंटिन्यूटीज की आ रही है। और इसके बाद मैं पहले नीले से पीले को चेक किया हूँ, अब इसको नीले से लाल से मैं नीला चेक करूँगा, इसके भी क्लियर है 4 बता रहा है। और उसके बाद मैं नीले से पीला चेक करूँगा, 4 इसका भी आ रहा है। तो दोस्तों मोटर हमारी सही है, ठीक है। और अब लगता है कि हमें स्टार्टर पे चेक करना पड़ेगा, हमको स्टार्टर खोल के लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि समस्या स्टार्टर से ही है, क्योंकि हमको लगता है कि सप्लाई क्लियर उधर से क्रॉस नहीं कर रही है कॉन्टेक्टर से होके। तो ठीक है दोस्तों, मैं स्टार्टर को अभी खोल के ले जाता हूँ। हमें फॉल्ट मिल चुका है, मोटर के पास से केबल नहीं, ब्रेक था यहाँ पे, किसी ने इसको काट दिया था। आप देख सकते हैं दोनों ये कट चुका है, और यहीं से मैं इसको फिर से जोड़ के अब चेक करूँगा, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि मोटर चल रही है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैं इसको जोड़ के फिर से देखता हूँ, जोड़ इसको दिखाइए आप। पहले मैं इसको छीलूँगा, उसके बाद छील कर इसको अच्छे से जोड़ूँगा। जोड़ने के बाद अब जाऊँगा मैं साइड में फिर स्टार्टर के पास, और उसको चला के फिर से दिखाऊँगा आप लोगों को कि मोटर हमारी चलती है कि नहीं चलती है, क्या कंडीशन बनती है, उसको पूरा मैं डिटेल आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैं नीला को नीला से जोड़ता हूँ, पीले को पीला से, और इस जोड़ को कायदे से मैं जोड़ूंगा, और जिस तरह से इसका जोड़ बनता है आप देख लीजिए। मैंने नीले को जोड़ दिया हूँ, अब पीला को जोड़ रहा हूँ। हमारा जोड़ जोड़ पीला भी कंप्लीट हो गया, मैं लास्ट लाल को जोड़ूंगा। आप देख सकते हैं लास्ट हमारा लाल है। तो इस प्रकार से मेरा जोड़ कंप्लीट हुआ। तो मैं इसको अब कहीं पे इसको टिका देता हूँ, और आप देख सकते हैं मैं इसको टिका दूंगा यहीं पे पेड़ पे, और कोई व्यवस्था नहीं है, क्या करूँ। और जोड़ को मैं थोड़ा सा दूर दूर कर दूंगा, देख सकते हैं जोड़ है। मैं एक बार फिर से बोला था कि स्टार्टर में फॉल्ट हो सकता है, लेकिन स्टार्टर में फॉल्ट नहीं था, और हमको एक जगह किसी ने उसको कहीं से कट मार दिया था, और कट मारने के बाद ही ये जो है मोटर चल नहीं रही थी, तीनों तार कट चुके थे। तो मैं अब इसको लास्ट जोड़ है, बहुत जोड़ है भैया के यहाँ, मैं बोलता हूँ बार बार कि आप केबल इसमें इतना जोड़ मत रखो, लेकिन उन्होंने इतना जोड़ रख दिया कि हमें भी बहुत समस्या होती है इसको चलाने में और मोटर देखने में, लेकिन क्या किया जाए, आदमी के पास समस्याएं बहुत होती हैं पैसों की, और समस्या क्या, आदमी का काम चलता रहता है तो आदमी समस्या को नहीं देखता है, और जब दोबारा समस्या आती है तो कहता है अभी हम करवा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं तीन तार को फिर से यहीं पे एक जोड़ और लगा हुआ है, इसलिए जोड़ लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे हमें कापर आगे निकालना है, नहीं तो स्टार्टर में फिट नहीं बैठेगा। अब मैं इसको तीनों तार को फिर से चेक कर लेता हूँ, कंटिन्यूटी दिखाई एक बार, लास्ट है हमारा यही पे कंटिन्यूटी, मैं चेक करके इसको मोटर में, ठीक है कंटिन्यूटी क्लियर आ रहा है, इसमें तार लंबा होने की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूटी थोड़ा सा क्लियर कम आएगा, लेकिन तीनों तार हमारा क्लियर बता रहा है। तो ठीक है, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ स्टार्टर में, जोड़ता हूँ। पहले मैं लाल तार को जोड़ूंगा, देख सकते हैं मैंने लाल को जोड़ दिया, और पीला जोड़ूंगा, ये हमारा पीला जुड़ गया, और लास्ट है हमारा नीला, और नीला भी मैंने जोड़ दिया हूँ। अब नीला तार जोड़ने के बाद मैं स्टार्टर को फिर से एक बार ऑन करके देखूंगा कि इसमें क्या समस्या आती है, क्या होता है, चलती है नहीं मोटर की, नहीं चलती हमारी, तो एक बार मैं इसको फिर से चेक करूंगा। मैं फिर से इंसुलेटर को लगा रहा हूँ, और इंसुलेटर लगाने के बाद ही अब सप्लाई है कि नहीं है, नहीं है तो भाई मोटर नहीं चला सकते हैं, और होगी तो ज़रूर चला के जाएंगे, आज मेरा पूरा निर्णय है। और आप देख सकते हैं मैं इंसुलेटर पूरी तरह से लगा दिया, और इसका वोल्ट मीटर क्लियर तो नहीं है, लाइट तो दोस्तों चली गई। बहुत बड़ा खेद है कि मैं आपको मोटर चला के नहीं दिखा पाया हूँ, और लाइट जाने की ही वजह से। ठीक है दोस्तों,
तो शायद मैं अब तो ये मोटर चलेगी ज़रूर, और अभी लाइट आएगी हमारी शाम को, तो अब तो मैं अभी संभव नहीं है मोटर चला के दिखाने का। तो दोस्तों मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, और दोस्तों मैं इसी तरह की वीडियो आगे भी लाता रहूँगा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नोटिफिकेशन जिससे आपको नोटिफिकेशन पे हमारी वीडियो मिलती रहे, और हमें कमेंट में भी आप लोग ज़रूर लिखना है कि मैं आगे क्या प्रोग्रेस करूँ, किस तरह की वीडियो डालूँ। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।